हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर वैकेंसी अपडेट की, जो कोरबा जिले से है दोस्तों। और काफ़ी अपडेटेड थी ये वैकेंसी की, यहाँ पे पात्र पात्र की लिस्ट के लिए। और यहाँ पे देख सकेंगे दोस्तों आप, यहाँ पे नोटिस रिलीज कर दिया गया है, सारे के लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधान पाठक, ग्रंथपाल, यहाँ कंप्यूटर टीचर यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी और मिडिल। उसी तरीके से यहाँ पे व्याख्याता के देखने मिलेंगे, मैथ्स हैं आपके, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशल स्टडी है, मैथ्स है, यहाँ पे टीचर्स है, कला समूह यहाँ पे देख सकते हैं, व्यायाम टीचर के हैं यहाँ पे, सहायक ग्रेड 2-3, ये सारे के लिस्ट यहाँ पे दोस्तों जारी कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आज ही का नोटिस है, यहाँ पर देखेंगे अगर व्यू करके इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं दावा आपत्ति हेतु सूचना करके, ये कोरबा जिले का है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद स्कूल समिति, जो संविदा भर्ती निकाली गई थी उसके दोस्तों यहाँ पे पात्र पात्र की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। और इसमें अपात्रता का कारण भी बताया गया है कि किन वजहों से को कैंडिडेट अपात्र यहाँ पे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं होना, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का ना होना, यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता को पूरा ना करना, या फिर आयु सीमा में कम या अधिक होने से भी आप वो रिजेक्ट हो गए हैं दोस्तों, यहाँ पे अपात्र घोषित हो गए हैं। यहाँ पे TET नहीं है तो भी यहाँ पे अपात्र घोषित किया गया है। तो ये सारे 10 बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पे अपात्र घोषित करने के कारण। और यहाँ पे देख सकते हैं भृत्य और चौकीदार हेतु दावा आपत्ति सूची जो है पृथक से जारी की जाएगी। तो दोस्तों अभी लगभग एकेडमिक नॉन एकेडमिक के सारे के पोस्ट आ गए हैं, खाली यहाँ पे भृत्य और चौकीदार जो है आपके प्यून और यहाँ पे वॉचमैन की लिस्ट अलग से जारी की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दावा आपत्ति की सूचना है, और इसके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, दावा आपत्ति किस प्रकार से करना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो कल सुबह बना दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। फिलहाल इसमें हम देख सकते हैं इस वीडियो में लिस्ट जो निकाले गए हैं, और दावा आपत्ति करने की जो लास्ट डेट है प्रस्तुत करने की, ये खाली 2 दिन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 4 दिन दिया हुआ है यहाँ पर। 28 अगस्त तक यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा में पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सारे के लिस्ट आ गए हैं, सिर्फ प्यून और वॉचमैन की लिस्ट अलग से आएगी। और यहाँ पर अपना नाम लिस्ट में आप चेक कर लेंगे दोस्तों अगर आपने अप्लाई किया है तो। चलिए हम एक लिस्ट को व्यू कर लेते हैं। चलिए हम सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे लिस्ट को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शेख रशीद का कैंडिडेट है यहाँ पे आवेदक का नाम, और यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं, यहाँ पे विद्यालय का चयन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिस्ट निकाली गई है, आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं लिस्ट में अगर आपने अप्लाई किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। और आप कोरबा जिले की वेबसाइट पे आके ये सारे लिस्ट में से जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उसको व्यू कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।